नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। दिग्गज निवेशक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट चैरिटी के लिए जाने जाते हैं। चैरिटी के काम को आगे बढ़ाने के लिए हर साल आयोजित होने वाले उनका सालाना पावर लंच भी हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस साल बफेट आखिरी बार पावर लंच में हिस्सा ले रहा है और इस आखिरी आयोजन ने अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल एक अज्ञात बिडर ने बफेट के साथ लंच करने के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। ईवे और ग्लाइड फाउंडेशन ने मिलकर बफेट पावर लंच के लिए नीलामी का आयोजन किया। इस नीलामी में शुरुआती बोली $25,000 यानी करीब 19 लाख रुपए से शुरू हुई। 12 जून से शुरू हुई इस नीलामी में 17 जून को एक अज्ञात बोलीदाता ने $19,100 यानी $148 करोड़ रुपए की बोली लगाई। यही सबसे बड़ी बोली साबित हुई। ये अभी तक बफेट पावर लंच के लिए किसी भी साल मिली सबसे बड़ी बोली है। एक तरह से यह ऐसा रिकॉर्ड बन गया है जो कभी टूट नहीं पाएगा, क्योंकि औपचारिक तौर पर यह दिग्गज इन्वेस्टर्स का आखिरी पावर लंच है। पिछले 21 साल से हो रहे इस सालाना आयोजन में अब तक की सबसे छोटी सफल बोली $25,000 की रही। कोरोना महामारी के कारण साल 2020 और 21 में बफेट पावर लंच का आयोजन नहीं हुआ था। इससे पहले जब 2019 में आखिरी आयोजन हुआ था तब सबसे बड़ी बोली $4.5 मिलियन यानी करीब 35 करोड़ रुपए की थी। इस तरह से इस बार की बोली पिछले रिकॉर्ड के 4 गुने से भी अधिक है। साल 2019 में क्रिप्टो करेंसी से अरबपति बने कारोबारी जस्टिन सुन ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी। वहीं पिछले 18 साल से ईबे की बफेट पावर लंच की नीलामी आयोजित कर रही है। ईबे के सीईओ जेमी लेनोन ने एक बयान में कहा था कि हमें इस बात का गौरव है कि वॉरेन बफेट के अंतिम पावर लंच ने फंड जुटाने के सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नीलामी से प्राप्त पूरी रकम ग्लाइड के उन प्रयासों पर खर्च होगी जो लोगों को संकट से बाहर निकालने और उनकी जिंदगियां बदलने पर केंद्रित हैं। बफेट ने इस बारे में कहा कि यह कुछ नहीं है पर अच्छा है। मैं दुनिया भर के कई दिलचस्प लोगों से मिलता रहता हूं। मुझे सभी में एक बात कॉमन लगी कि वे सभी इस बात को महसूस करते हैं कि पैसे अच्छे काम पर खर्च होने वाले हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।